कपड़ा व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में प्रदेश सहित नीमच जिले में भी कपड़ा व्यापारियों द्वारा गुरुवार को बंद का समर्थन करते हुए अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखे और रैली निकालकर एक ज्ञापन सौंपा गया। कपड़ा व्यापारी भारत माता चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बाजारों में दुकानें भी बंद करवाई गई। वस्त्र व्यापारी, रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ी हुई जीएसटी दरों को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जीएसटी का अतिरिक्त भार दे दिया है। कोरोना के चलते वैसे ही बाजारों में मंदी का दौर है, इससे जीएसटी और बढ़ जाने से ग्राहकों को काफी नुकसान होगा, व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित होगा और बढ़ी हुई जीएसटी दरों को आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। सरकार जब तक जीएसटी की दरों में की गई वृद्धि को वापस नहीं लेती, तब तक व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा। आज जीएसटी दरों में वृद्धि के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। नीमच शहर के साथ साथ सभी स्थानों पर जिले में वस्त्र व्यापारी, रेडीमेड गारमेंट व्यापारी और जूता व्यापारियों ने पूर्णतः अपनी दुकानें बंद रखी। सभी ने बंद का पूरी तरह से समर्थन किया है। सरकार यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में हम मतदान का बहिष्कार करेंगे और उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। वस्त्र व्यापारी कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा, जिसमें उन्होंने 1 जनवरी से बढ़ने वाली जीएसटी वापस लेने की मांग की। साथ ही बताया कि सभी वस्त्र व्यापारी बढ़ी हुई जीएसटी का कठोर विरोध करते हैं, इससे आम उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। जब जीएसटी का संकट लागू हो रहा था, तब हमें बताया गया था कि रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित जो भी वस्तु आती है, उसे हम न्यूनतम टैक्स के दायरे में रखेंगे, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे में टैक्स वृद्धि आग में घी डालने का काम करेगी। वस्त्र व्यापारी संघ ने बढ़ी हुई जीएसटी वापस लेने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में वस्त्र व्यापारी मौजूद रहे। हमने आज पूरा नीमच कपड़ा एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड व्यापारी और जूता व्यापारी तीनों का संगठन मिला करके और एक पूरा बंद रखाया है और करीब करीब 99% पूरा बंद है। स्वतः ही हमको कहीं बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी है और इसीलिए हमारा एक ही निवेदन है गवर्नमेंट से कि पहले ही कपड़े पे पूरी मार पड़ रही है, 20% करीब तो तेज़ी आ चुकी है, इस जीएसटी से कम 10% तेजी और आएगी तो कपड़ा लेना भी मुश्किल हो जाएगा ग्राहक के लिए और ये सब जो मार पड़ेगी वो आम आदमी पे पड़ने वाली है। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि इसको यथावत रहने दें और नहीं तो आगे और भी लड़ाई है, अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है कि अभी तो हम बंद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 2 बजे से हम रैली निकालेंगे और रैली जो है तिलक मार्ग, फवारा चौक और फवारा चौक से वापस 4 जीरो पे आकर के समाप्त होगी और यहीं SDM या जो भी कलेक्टर, जो भी प्रतिनिधि आएंगे उनको हम ज्ञापन देंगे। यदि अगर आपकी मांगी नहीं गई तो आप क्या करेंगे आगे? आगे और लड़ाई करेंगे, जारी रहेगी हमारी, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, नहीं होगा तो रैली लेकर के दिल्ली जाएंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम और पद? सुरेश चंद सिंह। पद? संयोजक। संयोजक।